जॉन्स मिल प्रकरण में आम आदमी पार्टी के कपिल वाजपेयी ने जिला मुख्यालय पर सांकेतिक रूप से दिया धरना। कपिल वाजपेयी ने कहा कि करोड़ों की संपत्ति को बेचने वाले दोषी लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए व कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर अभी खानापूर्ति चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही कार्रवाई को लेकर आए दिन टालमटोल किया जा रहा है। भू माफियाओं ने मुझ पर हमला भी किया, जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैं जब तक लड़ता रहूंगा जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जॉन्सविल में सरकार की करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सरकार के अधिकारी, एक जिम्मेदार अधिकारी हमारे माननीय जिलाधिकारी द्वारा उस पर समिति बना के जाँच करवाई गई। एक लंबी कवायद हुई, 5 महीने 6 महीने जांच चली। जांच चलने के बाद में कुछ दोषियों को चिन्हांकन किया गया कि हाँ ये दोषी हैं, इन्होंने ज़मीनों को दबाया है, उनको भूमाफिया घोषित करा गया। अब वो भूमाफियाओं के ऊपर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, वो भूमाफिया भी खुशी से आनंदपूर्वक अपने घूम रहे हैं, उनकी संपत्तियां भी यथावत हैं। उसके अलावा जिन जिन लोगों ने उस पूरी संपत्ति पे कब्जा किया था, सब संपत्ति को अपने अंडरटेकिंग में ले रखा है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति को जिन्होंने ले रखा है, जिसकी जानकारी सरकार को है, उस पर कार्रवाई ना होने के कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, तब तक यहाँ पर बैठे। जॉन्सविल में कई विभागों की जमीन है, वो विभाग ही खुद जमीन नहीं लेना चाह रहा अपने, जैसे कि सिंचाई विभाग हो गया, उसमें नगर निगम का भी शायद कुछ हिस्सा है। इसका मतलब सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ना, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, तो जो विभाग नहीं ले रहा है, जो विभागाध्यक्ष नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ FIR करवाइए। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम धरना दे तो रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। मेरे पास ये अधिकार तो है नहीं कि मैं जाके DM साहब की गर्दन पकड़ लूंगा, मेरे पास यही अधिकार है ना कि मैं विनती स्वरूप लोकतांत्रिक तरीके से अपने धरना प्रदर्शन को व्यवस्थित करता रहूं, और वो मैं कर रहा हूं। और जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे DM साहब आदेश करते हैं निर्माण नहीं होगा, VC कहते हैं कि नहीं नहीं शमन शुल्क जमा करो, अरबों रुपये की संपत्ति पे कुछ पैसे जमा करो और धड़ल्ले से निर्माण करो। गलत काम को अधिकारी ही प्रोत्साहित कर रहे हैं। भूमाफियाओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक अभियान चलाते हैं, भूमाफियाओं पे बुलडोजर चलेगा। आगरे में ये सरकारी दमाद बन के यहाँ पर मालपुआ खा रहे हैं, हम भी, और हम उस पर बोले भी ना, हमने पहले दिन से इस पर बोला था। मेरा इस चक्कर में बड़ा एक एक्सीडेंट भी इन भूमाफियाओं के द्वारा कराया गया, मैंने इसकी जानकारी भी आदरणीय DM साहब को दी थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई किसी पर भी। उसके विपरीत जब तक अब इस पूरे मामले में 8 महीने से जांच आपके पास है, सब दोषियों के नाम आपको मालूम है, उनके खिलाफ कार्रवाई आप कर सकते हैं। आपका जो एक्सीडेंट करवाया गया, हो सकता है कुछ जानो खतरा भी हो, इस मामले में आप हाथ डाल रहे, बेशकीमती जगह है, 3500 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। अब डर है कि अपनी जान का? कोई डर वर की कोई बात नहीं है, किसी के बाप में बूता नहीं है कि समय से पहले मुझे मार दे। ईश्वर ने जब समय तय करा तब मरूंगा, और जब तक समय नहीं है तब तक कोई मार नहीं सकता। दूसरा, अपने प्रशासन पर भी भरोसा है कि ये बचान, भाई DM के यहाँ भी अगर मार दिया जाऊँ तो उसके भाई इससे ज़्यादा कुछ शासन की फिर गत क्या होगी। तो मैं अपनी बात को कायदे से उठा रहा हूँ, पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से। मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं ईंटे पत्थर लेकर DM साहब के दफ्तर में चढ़ जाऊँ, मेरे पास ये अधिकार है मैं लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन करूँ। जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोषियों को सरकारी दमाद बना के रिश्तेदारियां निभाई जाएंगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है।